हेलो, मैं हूं नरेंद्र यादव। हम इस ASIC के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें ASIC के प्रत्येक जोन की वैकेंसी की डिटेल दी गई थी। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि वो वैकेंसियां जो मैंने वो उसमें कट ऑफ्स डाली हैं, वो कट ऑफ्स उनसे कम रहने वाली है। तो देखिए, मैंने वीडियो काफ़ी बात करने के बाद बनाया, मेरे सीनियर से, कोचिंग में जो टीचर से बात करके उनसे बनाया है, और पहले की प्रीवियस मार्क्स देख के पिछले साल के क्या मार्क्स रहे थे और किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब की बार जो मेरा फ्रेंड सर्किल एरिया है उसमें मैंने इसको मार्क्स को देख कर बनाया है। तो ये कट ऑफ्स कम नहीं रहने वाली है क्योंकि सीटें कम है तो वे कम सीटों पर कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। और रिजल्ट्स की बात करते हैं, रिजल्ट्स में सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्शन आंसर की आएगी, उस ऑब्जेक्शन आंसर की के बाद रिजल्ट डाला जाएगा। और करीब रिजल्ट, मैं थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, रिजल्ट्स में ये 2 से 4 महीने लेता है। जी हाँ, 2 से 4 महीने लेता है रिजल्ट्स में ये। और इसकी आंसर की जो आएगी वो लगभग 20 अप्रैल के समथिंग आएगी। और जी ज्वाइनिंग देगा, ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगा देता है, करीब 6 से 7 महीने ज्वाइनिंग देने में लगा देता है। तो आप अगर किसी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एक तैयारी करते रहें, इसके भरोसे ना बैठें कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं। हम तो स्पेशल तेलंगाना रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ से जनरल की 72 वैकेंसी थी, OBC की 33, SC की 21 और ST की 11 वैकेंसीज। तो जो इनकी कट ऑफ मैंने डाली है 72 to 82, जी हाँ, इनके लगभग ही कट ऑफ रहेगी, इनके इनसे कम नहीं जाने वाली, क्योंकि इतने जो मैंने ग्रुप्स में देखे हैं, जो फेसबुक पे चैट्स में देखे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया था, हमारे किसी दोस्त ने बताया, हमने सबसे पूछ के वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।